जय मां जगदम्बा। संभोग वशीकरण। संभोग वशीकरण एक ऐसा वशीकरण मंत्र है, प्रयोग है, जिसमें आप अपने साथी के, अगर मन में संभोग के प्रति इच्छा नहीं है, तो काम भावना पैदा कर सकते हैं और उसे बिल्कुल उसी भावना के अधीन उस गहराई को छू सकते हैं जिसे आप महसूस करते हैं। तो इसे आप सबसे पहले प्रयोग को बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। इसमें कुछ नियम होते हैं जिसे पालन करने पर ही यह आपके लिए कार्य करेगा, अन्यथा आपके साथ यह काम नहीं करेगा। यह प्रयोग, यह मंत्र जो है, मंत्र का सबसे पहला और सबसे अहम जो बंधन है, नियम है, वह यह है कि इसे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर ही कर सकते हैं। यह बात अलग ही है कि आप एक व्यक्ति के ऊपर एक से अधिक बार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर यह लागू नहीं होगा। तो सोच समझ कर करें। एक व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर करेंगे वह आपका जीवन साथी होना चाहिए, अन्यथा वह पीछे पड़ जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा पीछा छुड़ाना, क्योंकि इसका तोड़ कहीं नहीं है। दूसरा, इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए जब आप 3 दिनों की साधना करेंगे, 3 दिन की जो साधना होगी पूर्ण रूप से सात्विक होगी, अर्थात आपको उस 3 दिनों में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, और करने के लिए आपको सायं का समय होना चाहिए, और उस व्यक्ति का जिससे आप संभोग करना चाहते हैं उसका कोई फोटो या फिर कोई वस्त्र, रुमाल, कुछ भी हो, होना आपके पास अनिवार्य है। चाहे उसके बाल का टुकड़ा हो, चाहे कुछ भी हो उसके शरीर से लगा हुआ। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले शनिवार के रात्रि में 10 बजे के बाद हाथ पैर को अच्छे से धो ले, मुकान को धो ले और आसन लगाकर बैठ जाए। अब रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना है। सामने उस व्यक्ति का फोटो या फिर उसका कपड़ा, रुमाल, बाल, कुछ भी चीज होगा उसे रख लें और उसके बाद इसका जाप करें। जाप करने के लिए आपको 521 बार मंत्र का जाप करना है और मंत्र को उच्चारण करके जाप करें, मन में ना करें। दूसरी बात यह है कि जब आप जाप करेंगे तो पूर्ण रूप से जब मंत्र जाप हो जाएगा तो उस व्यक्ति को ध्यान में करके, सामने बैठा है या महसूस करके, उसके जो वस्तु है कपड़े के ऊपर फूंक मार देनी है आपको 7 बार, और उसके बाद उसका पूर्ण रूप से नाम भी लेना है, पूर्ण रूप से अर्थात उसके गोत्र के साथ जो आपको मालूम है। और अगले दिन जाइए, 3 दिनों के बाद साधना पूर्ण होने के बाद उसके पास चले जाइए, मन में उसे देखकर फिर इस मंत्र को 7 बार बस बोल दे। इस मंत्र के प्रभाव से, इस शक्ति के प्रभाव से, इस क्रिया के प्रभाव से वह व्यक्ति जो है इतना ज्यादा बेचैन हो जाएगा कि वह आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। कभी कभी आपने अक्सर देखा होता है, या फिर कई बार आप कुछ भी कर रहे होते, कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही मन में कोई व्यक्ति का ख्याल आ जाता है और वह व्यक्ति का ख्याल ऐसे आ जाता है कि वह हटने का नाम नहीं लेता है। तो उस ख्याल आने के पीछे कारण है, जिसे कहते हैं टेलीपैथी। वह व्यक्ति भी याद करता है आपको, तभी वह आपके दिलो दिमाग में उस समय घुस जाता है और आप काम कर रहे हैं फिर भी आप उससे हट नहीं पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यह जो चीज आपको पूर्ण रूप से जानकर, सोचकर, समझकर करेंगे तो वह व्यक्ति पूर्ण रूप से बेचैन हो जाएगा। मंत्र इस तरह से उसे ध्यान से सुनिए जिसे जाप करना है। ओम नमो कम काम प्रिय अमुकी संभोगे मम देही देही पच फट फट। अमुकी में उसका नाम ही लेना है, और अगर समझ में नहीं आए तो नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय जय माता दी मित्रों।